आज किसान आंदोलन का 100वां दिन पूरा हुआ और क्रिकेट में जो क्रिकेट टेस्ट मैच चल रहा था, चार मैचों के सीरीज में टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड से मैच चल रहा था, उसमें भारत ने चौथे टेस्ट में जीत दर्ज की और 3-1 से सीरीज जीत कर जो वर्ल्ड चैंपियन टेस्ट टूर्नामेंट का फाइनल होने वाला है अब उसमें जगह पक्की कर चुकी है और रैंकिंग में भी वन रैंक पर आ गई है भारत। मगर उससे पहले जो हम मैं बात करने वाला हूँ बंगाल चुनाव का, बंगाल चुनाव में 291 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी की रणनीति तय कर दी है। बीजेपी भी अपनी जितनी भी संभावनाओं के सीट्स पर लड़ने वाले विधायक हैं उन सभी नामों का अब धीरे धीरे करके चरण वाइज वो नाम को बता रही है। मगर उससे पहले क्या हुआ, दिनेश त्रिवेदी ममता बनर्जी के सांसद थे राज्यसभा में, जो कुछ ही सप्ताह पहले इस्तीफा दिए थे राज्यसभा से, टीएमसी से सांसद थे, ममता बनर्जी के काफ़ी करीबी माने जाते थे और रेलवे मिनिस्टर भी रहे हैं इस देश का। जब यूपीए की सरकार थी यानी कि कांग्रेस की, उस वक्त वित्त मंत्री हुआ करते थे प्रणब मुखर्जी, और प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री हुआ करते थे और रेलवे मंत्रालय दिनेश त्रिवेदी के यहाँ था। बजट में जो रेलवे बजट था उसमें किराए बढ़ाए जाने पर दिनेश त्रिवेदी को यह कहकर हटा दिया गया था और उसके बाद मुकुल राय बने थे रेल मंत्री। मगर वह मुकुल राय भी अब बीजेपी में पहले से ही थे, मगर अब दिनेश त्रिवेदी भी बीजेपी में आ गए और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हमने कई बरसों से ऐसा लग रहा था कि बीजेपी ही हमारी पार्टी है, जहां पर सभी को सब कुछ कहने का अधिकार है और सब कुछ खुलेआम कुछ भी कहने का, एक पार्टी और संगठन के नाते खूब तारीफ करते हुए नजर आए। जेपी नड्डा के साथ उन्होंने बीजेपी में ज्वाइनिंग भी लिया और बंगाल में चुनाव अब दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि जितनी भी ममता बनर्जी की कई साथी थे, शिवेंदु, ऐसे कई नाम जो आ रहे हैं वह बीजेपी के साथ हो चले हैं। तो अब देखने वाली बात यह है क्या ममता बनर्जी अपना गढ़ बचा पाएंगी, क्योंकि पिछली बार उन्होंने काफ़ी अच्छे मतों से चुनाव जीता था, मगर 2019 के लोकसभा में जिस प्रकार से बीजेपी को समर्थन आया और लगभग 1.5 दर्जन सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया, तो उसके बाद से ममता बनर्जी डरी हुई हैं। ममता बनर्जी का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वह एनडीए के साथ भी रहा है और यूपीए के साथ भी रहा है, वह दोनों ही सरकार में मंत्री मंत्रालय का पद संभाल चुकी हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी के सहारे वह बंगाल में सबसे बड़ी चेहरा बनती हैं और लेफ्ट को सत्ता से दरकिनार कर देती हैं। वही ज्योति बसु और भट्टाचार्य, ज्योति बसु को मुख्यमंत्री जो इतने सालों तक रहे थे उन्हीं की पार्टी के जो अगले मुख्यमंत्री थे भट्टाचार्य, उनको भी हटाने में, बुधादेव भट्टाचार्य का नाम, तो उनको भी हटाने में ममता बनर्जी काफ़ी आगे रहीं और हटाने के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी से अलग बंगाल में अपना एक अस्तित्व बनाई और तीन बार 10 सालों से मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर। और इस बार अगर मुख्यमंत्री बनती हैं तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव इस देश में और ज़्यादा होगा, और जिस प्रकार से मोदी और शाह योगी के खिलाफ वो प्रहार करती हैं बातों में, बीजेपी नेताओं के खिलाफ संघ पर जिस प्रकार से उनका प्रहार है, वह एक देखने और सुनने लायक होता है कि वह जिस प्रकार से प्रहार करती हैं। मगर देखने वाली बात यह है कि बंगाल में बीजेपी की कहना है कि हम 200 सीटें जीतेंगे, मगर यह तो परिणाम बताएगा कि वह कितने सीटें जीतेंगे। मगर हर पार्टियां अभी अपने अपने ढंग से दावा करती है। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि आज भारतीय आज खेल में एक जो सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि मैन ऑफ द मैच बने ऋषभ पंत और मैन ऑफ द सीरीज बने आर अश्विन, और वहीं ऋषभ पंत ने शतक लगाया और भारत जीता। तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे, और भी हम खबरों पर हम जाने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।